हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी चैप्टर 8। आपके चैप्टर का नाम है लौट आओ दादी, जिसके लेखक है रविशंकर। ये जो आपका लेसन है लौट आओ दादी, ये एक बहुत अच्छी कहानी है। इसमें दादी हैं और एक सार्थक है, और सार्थक के पिता, सार्थक के मम्मी और सार्थक के कुछ दोस्त हैं। इसमें बच्चों के विषय में कहा गया है कि बच्चे बचपन में कितनी शरारतें करते हैं, कितनी नादानी करते हैं, और जो बूढ़ी दादी हैं वो सार्थक के भलाई के लिए उसे हमेशा डांटती रहती हैं, टोकती रहती हैं। इसमें होता क्या है, सार्थक कोई भी कार्य करता है तो उसकी जो दादी हमेशा उसे टोकती रहती हैं कि सार्थक इस कार्य को मत करो, टीवी ज़्यादा मत देखो, रात को घूमने मत जाया करो, हर बात उसे टोका करती हैं। और सार्थक को हमेशा बहुत ही अधिक बुरा लगता था। एक दिन सार्थक का पेपर जो है समाप्त होता है और अपने दोस्तों के साथ अपने घर आता है, और जो उसके पास स्टोरियो था अर्थात जो बाजा था, जो साउंड था, साउंड का आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज करके वो बजा रहा था। लेकिन पास में ही पड़ोस में ही किसी के जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है। लोग बगल में शोक में डूबे रहते हैं और सार्थक इधर अपने दोस्तों के साथ ऊंची आवाज़ में गाना बजाकर डांस कर रहा था। लेकिन दादी उसे डांटती हैं कि बगल में किसी जवान की मृत्यु हो गई और तुम सभी लोग यूं नाच रहे हो। दादी की बात सुनते ही जो सार्थक के दोस्त थे वो क्या करते, तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सार्थक को बहुत अधिक बुरा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि उसका बहुत अधिक अपमान हो गया हो, और इस अपमान का बदला लेने के लिए जो सार्थक है वो करता क्या है, खाना आधा कर देता है, कम खाता है, दूध भी नहीं पीता है और हमेशा बुझा बुझा सा रहता है। तो उसकी मम्मी पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, कुछ बताते ही नहीं है, और अपने उसके पापा भी उसे देखते हैं, और वो अपने माँ बाप का इकलौता था जिसके कारण उसके पापा उसे उदास नहीं देख सकते थे, उसे उछलता कूदता और खुशहाल ही देख सकते थे। तो उनको उसे इस प्रकार से उदास, उनको उसके पापा को सार्थक की उदासी देखी नहीं जाती है। तो बाद में पूछते हैं, लेकिन सार्थक ये सोचता है अगर हम पापा से कुछ बताएंगे तो पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसके बाद सार्थक अपने पापा से बताता है या कहता है कि इस घर में या तो मैं रहूँगा या तो दादी रहेंगी, क्योंकि दादी जो बार बार उसे टोकती थी उस बात से वो थोड़ा गुस्सा गया था, क्योंकि लोग कहते हैं जो बच्चे होते हैं ये कब गुस्सा जाएं कब खुश हो जाएं इनका कोई भरोसा नहीं होता है। तो जब बच्चा गुस्सा जाते हैं तो भगवान ही मालिक होते हैं कि ये करेंगे क्या, क्योंकि बच्चे अपने मन के ही होते हैं, अपने मन का ही कार्य करते हैं। इसके बाद जब सार्थक अपने पापा से कहता है कि या तो दादी रहेंगी या तो मैं रहूँगा, तो सार्थक के पापा थोड़ा उदास हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चे को दुखी उदास नहीं देख सकते थे, और अपने माँ के प्रति जो उनका कर्तव्य था वे भी वो नहीं, उसको भी वो छोड़ नहीं सकते थे। इसके बाद होता क्या है, तो सुबह देखते हैं, सुबह सार्थक देता है कि दादी के जो कपड़े हैं, जो उनके सामान हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो उसके बाद जब दादी जाने लगती है तो सार्थक क्या करता है, आता है अपने दादी के पैर को छूता है और उन्हें रोकने का प्रयास करता है, लेकिन उसके मन में ये भी था कहीं ना कहीं पर कि कहीं मेरे कहने पर रुक ना जाए। लेकिन होता क्या है, आगे दादी चली जाती हैं। इसके बाद जो सार्थक है वो घर में प्रवेश करता है, जहाँ दादी सोती थी वहाँ ही जाकर वो सोता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती है क्योंकि दादी उसे प्रतिदिन कोई ना कोई नई नई कहानियाँ सुनाती रहती थी। तो सार्थक सोच में डूब जाता है कि चलो अच्छा हुआ दादी चली गई, बार बार टोकती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में आवाज़ आती है कि लेकिन अगर दादी टोकती थी तो मेरे भले के लिए ही टोकती थी। जैसे टीवी देखना, टीवी देखेंगे तो क्या होगा, आंखें खराब हो जाएंगे,
या रात में कहीं हम घूमने जाएंगे तो हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए। तो उसके बाद फिर सोचता है कि फिर उसके कहीं ना कहीं मन में उसी कोने से आवाज आती, नहीं दादी तो मेरा अपमान भी कर दी थी कि मेरे दोस्त आए थे यहाँ पर, उनको डांट कर भगा दी थी, मैं अपमानित हुआ था। उसके बाद फिर दूसरी बार उसके मन के किसी कोने से आवाज़ आती है, नहीं ये तो सही है, क्योंकि समाज में रहने के लिए, समाज में जो हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए हमें सबको, समाज में सभी का ध्यान देना चाहिए। जो दादी उस समय हमें टोकी थी, इसलिए टोकी थी ताकि मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति बन सकूं, क्योंकि ये उचित नहीं है कि बगल में कोई जवान, किसी जवान व्यक्ति का देहांत हुआ और हम यहाँ पर खुशियां मनाएं, ये अच्छी बात तो है नहीं। इन्हीं सभी उधेड़ बुन में जो सार्थक है वो पड़ा रहता है, सोचता रहता है, उसको नींद नहीं आती है। उधर उसके मम्मी पापा भी सोचते रहते हैं कि सार्थक के मन में ये कौन सी भावना आ गई है। तो उसके बाद सार्थक को कुछ समय बाद नींद आ जाती है, और जैसे वो सोचता है तो उसको दिखाई पड़ता है कि उसकी जो दादी हैं उससे बहुत दूर चली गई हैं, और उसके दादी के पीछे एक राक्षस उसके दादी को पकड़ने का प्रयास कर रहा, पकड़ रहा है। तो सार्थक बहुत जोर से चिल्लाता है, दादी को बचाओ, दादी को बचाओ, और उसकी आवाज़ को सुनकर उसके मम्मी पापा भी जाग जाते हैं और उसके पास आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। तो जो सार्थक है वो रोने लगता है और कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और दादी को बुलाओ, दादी के बगैर मैं नहीं रहूँगा। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा दादी जो है वृद्धा आश्रम नहीं है, अर्थात कहीं नहीं गई हैं, उनको तो मैं अपने भाई के यहाँ कुछ दिन के लिए छोड़ आया हूँ ताकि उनका भी मन थोड़ा बहल जाए। उसके बाद वो दादी को ले आते हैं और सार्थक दौड़ कर जाकर अपने दादी के आंचल में छिप जाता है और सुबक सुबक कर रोने लगता है, अर्थात धीमी धीमी आवाज में वो रोता है। उसके बाद दादी, उसके पापा और खुद सार्थक उस घर में अच्छे से अपना समय बिताते हैं। इस कहानी से ये पता चलता है कि जो बूढ़े, जो बड़े लोग हमें डांटते हैं उसके पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। जब भी कोई डांटता है या कुछ कहता है तो अगले के वो भले के लिए ही कुछ ना कुछ कहता है, और बड़े अगर कोई बात कहते हैं तो उनके बात का सम्मान करना चाहिए, और बड़ों को ये ध्यान भी देना चाहिए बच्चे को डांटना उचित है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं डांटना चाहिए कि उसको बुरा लग जाए, अर्थात बच्चे के भी मन में कौन सी भावनाएं कब आ जाए कुछ पता रहता नहीं है। तो लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर बड़े हमें डांट रहे हैं तो क्यों डांट रहे हैं, अगर उसको अच्छे से सोचा जाए तो ये पता चलेगा हमारे भलाई के लिए ही वो डांट रहे हैं, जैसा इस कहानी में दिया गया है। इसलिए अपने से जो बड़े हैं उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, और उन्हीं के अकॉर्डिंग सभी कार्य अगर किए जाए तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक, अर्थात एक सामाजिक प्राणी बन सकते हैं। ओके, बाकी आप सभी लोग बुक से पढ़िएगा तो और ज़्यादा समझ में आएंगे।